तो ये तस्वीर आपने देखा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में, जो एक नाराज गुट थे जो आरपीएन सिंह का विरोध करते थे लगातार, वो अब कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने उन्होंने ये जलाया है, पटाखा छोड़ा है और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अब बच गई क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने रसातल में ले जाने का काम किया। कांग्रेस भवन के सामने क्या मामला, क्या है, क्यों फटाखा फोड़ा? मामला यही है कि आज आरपीएन सिंह जो हमारे प्रभारी थे और भाजपा के सफरी एजेंट भी थे, मैंने इनका विरोध पहले 5 अगस्त 2021 को किया था कि गो बैक आरपीएन, गो बैक, जो आज सफल हुई और कांग्रेस को जो बर्बाद करने आए थे वो बच गई। जब से वो आए थे हमारे 4 दिग्गज नेताओं का पलायन दूसरे पार्टी में हो गई थी, जिसमें 3 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, सुखदेव भगत, प्रदीप बालमुचू, मनोज यादव, सरफराज अहमद, इनको इनका पलायन हो चुकी। इन्होंने कभी इस शब्द में कुछ नहीं बोला, इसलिए कि वो भाजपा के एजेंट थे, वो चाहते थे कि एक एक करके कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का पलायन दूसरे दल में हो जाए ताकि कांग्रेस पार्टी झारखंड से मुक्त हो जाए, यही सपना था उनका। आज वो अपना दिखा दिए कि वो सच्चे में भाजपा का एजेंट थे और वो अपना भाजपा का सदस्यता ग्रहण कर लिए। आप लोग जब विरोध किए थे तो उस समय विरोध भी हुआ था कांग्रेस? विरोध हुई थी, उनको इस बात से अनभिन थे वो, आज उनको सच्चाई सामने आ चुकी है कि आरपीएन कांग्रेस के प्रभारी नहीं भाजपा के एजेंट थे। फटेका इसलिए फोड़े कि आज हमें खुशी हो रही है कि एजेंट के द्वारा हमारा प्रभारी जो थे एजेंट, भाजपा का एजेंट, उनसे मुक्त हो गई। अब झारखंड कांग्रेस आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी कांग्रेस। योगेंद्र सिंह बेनी, पूर्व मीडिया प्रभारी, कांग्रेस रांची महानगर कांग्रेस कमेटी। आप क्या कहेंगे? ठीक है, इन्होंने जो कहा इनका साथ है, मैं साथ। आप लोग भी परेशान थे? जी, हम लोग भी परेशान थे, हम लोग तो साथ में ही हैं। जोगेंद्र सिंह बेनी, हम नागेंद्र चौधरी नागो। ठीक, आप दोनों को खड़ा कर विक्ट्री दिखा दीजिए, विक्ट्री दिखाइएगा ना ऐसे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कांग्रेस के नाराज नेता थे वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं और उन्होंने पटाखा भी जलाया है कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने, क्योंकि आज आरपीएन सिंह ने खुद घोषणा कर दी है कि वो नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब जो नाराज गुट हैं वो बीजेपी के एजेंट होने का आरोप आरपीएन सिंह पर लगा रहे हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, प्रदेश कार्यालय की तस्वीर है, जो यहाँ पर आतिशबाजी की गई, पटाखे छोड़े गए, जो नाराज गुट के नेता हैं वो, उन्होंने पटाखा जलाया है।